प्रिय छात्रों, कक्षा 12वीं के व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत अध्याय 17 में हम आज अध्ययन करेंगे स्कंद विनिमय एवं सेवी। ये क्या है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम सामान्य रूप से देखते हैं कि किसी भी प्रकार की वस्तुओं के क्रय और विक्रय के लिए एक बाजार होता है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक कंपनी की प्रतिभूतियों अर्थात अंश पत्र, ऋण पत्र, विभिन्न बॉन्ड्स, विभिन्न प्लेक, इनके क्रय और विक्रय के लिए एक बाजार होता है। तो एक कंपनी की जो पूंजी होती है वो विभिन्न अंश पत्र या ऋण पत्र या विभिन्न बॉन्ड्स के माध्यम से एकत्रित होती है। अब ऐसा बाजार जहाँ पर कि पूंजी को प्राप्त करने के लिए इन अंश पत्र और ऋण पत्र और विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभूतियाँ हैं इनका क्रय और विक्रय किया जाता है, वो कहलाता है स्कंद विनिमय के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये बाजार जो है विकसित पूंजी बाजार का एक विकसित अंग होता है, जहां प्रतिभूतियों को प्रस्तुत एवं विक्रय किया जाता है। विकसित इसलिए कि यहां से जो प्राप्त पूंजी है इसके माध्यम से जो है व्यापार व्यवसाय उद्योग का संचालन संभव होता है। तो यहाँ पर जो है ये व्यापार जो बाजार है ये विकसित पूंजी बाजार का एक विकसित अंग है। यहाँ पर जो है प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। पायले ने परिभाषा दी है कि स्कंद विनिमय वह बाजार या स्थान है जहाँ पर कि सूचीयत प्रतिभूतियों का विनियोग एवं सट्टे के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। अर्थात स्कंद विनिमय वो बाजार या वो स्थान है जहाँ पर कि रजिस्टर्ड प्रतिभूतियाँ या सूचीयत प्रतिभूतियां अर्थात ऐसे ऋण पत्र, अंश पत्र जो कि वहां पर उस कंपनी के रूप में वो रजिस्टर्ड है, उनके विनियोग के लिए, उनकी खरीदी बिक्री के लिए जो है यहां पर प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं स्कंद विनिमय की, नंबर एक ये क्या है, प्रतिभूतियों का बाजार है। यह स्टॉक एक्सचेंज निगम सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करने का एक संगठित बाजार है। अर्थात स्कंद विनिमय के माध्यम से जो है विभिन्न निगम, विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों को यहाँ पर जो है खरीदा और बेचा जाता है, जो कि उसका एक ये संगठित बाजार है। दूसरा जो है ये द्वितीयक बाजार के रूप में है। जैसा कि हमने बताया था कि एक होता है पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार, और दूसरा होता है द्वितीयक बाजार। तो प्राथमिक बाजार में उन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जो कि सबसे प्रथम बार निर्गमित की जा रही है। अर्थात एक कंपनी का जब प्रवर्तन होता है या कंपनी पहली बार जब अपने अंश पत्र ऋण पत्रों को बाजार में जारी करती है तो प्राथमिक बाजार के अंतर्गत उनका निर्गमन किया जाता है। द्वितीयक बाजार जो है वो दोबारा जो एक बार निर्गमित हो चुकी हैं प्रतिभूतियाँ उनका दोबारा निर्गमन जब किया जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज निर्गमित हो चुकी प्रतिभूतियों का द्वितीयक बाजार होता है। अर्थात ऐसी प्रतिभूतियां जो पूर्व में एक बार क्रय विक्रय हो चुकी हैं उन प्रतिभूतियों का पुनः या पुनः के बाद कई बार अनेकों बार जो है उन प्रतिभूतियों की खरीदी बिक्री होती है वो स्टॉक विनिमय एक्सचेंज के माध्यम से की जाती है। फिर यहाँ पर जो भी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है वो कैसी होती है, सूचीबद्ध होती है। यहाँ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है अर्थात या ऐसी कंपनियों का की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है, पंजीकृत होती हैं। फिर सदस्यों द्वारा क्रय विक्रय, यहाँ पर जो है अधिकृत ब्रोकर या सदस्य ही प्रतिभूति का क्रय विक्रय कर सकते हैं। अर्थात स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने का कार्य जो है वो अधिकृत ब्रोकर या दलाल या जो वहाँ के सदस्य हैं उनके द्वारा ही क्रय विक्रय किया जाता है। फिर स्थान, स्टॉक एक्सचेंज हेतु जो है एक नियत और विशिष्ट स्थान का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है स्कंद विनिमय का एक रजिस्टर्ड या एक नियत स्थान होना आवश्यक है। तो ये स्कंद विनिमय की विशेषताएं हैं। फिर स्कंद विनिमय के जो कार्य एवं उसके महत्व, नंबर एक जो है प्रतिभूतियों को बाजार प्रदान करना, यहाँ जो है प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय के लिए एक स्थान प्रदान करता है जहाँ अपनी प्रतिभूतियों को बेचकर चाहे जब धन प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रतिभूतियों को तरलता भी प्रदान करता है।
तो स्कंद विनिमय के माध्यम से यहाँ पर जो है विभिन्न कंपनियां अपनी प्रतिभूतियों को बेचती हैं और निवेशकों के द्वारा उन प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है। तो यहाँ पर जो है इन प्रतिभूतियों के माध्यम से, चाहे जब इनको बेचकर जो है हम वापस अपनी पूंजी को, धन को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये प्रतिभूति को क्या प्रदान करते हैं, ये तरलता प्रदान करते हैं, अर्थात शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित करती है। दूसरा जो है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, कंपनी की वर्तमान की और भावी भविष्य की आर्थिक स्थिति का प्रभाव तुरंत इसके मूल्य पर पड़ता है, अर्थात कंपनी की लाभार्जन क्षमता जो अभी करंट की है और जो भविष्य की होने वाली है, और वर्तमान की जो उसकी आर्थिक स्थिति है, भविष्य की जो आर्थिक स्थिति, इसके आधार पर जो है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण होता है, जिससे यहाँ पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का मूल्यांकन जो है वो निरंतर होता रहता। तो यहाँ पर ऐसी कंपनियाँ जो वहाँ पर जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी कंपनियों की वर्तमान की और भविष्य की आर्थिक स्थिति और लाभार्जन क्षमता के आधार पर उनके यहाँ पर जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ हैं उनका मूल्यांकन जो है निरंतर होता रहता है, और इसी आधार पर जो है उन प्रतिभूतियों का मूल्य कम या ज़्यादा होता रहता है। फिर विनियोक्ताओं को सुरक्षा, विनियोक्ता कौन है, इन्वेस्टमेंट करता जो प्रतिभूतियों के माध्यम से कंपनियों में अपनी पूंजी लगाते हैं। तो स्कंद विनिमय जो है स्पष्ट एवं विस्तृत नियमों के अंतर्गत चलाए जाते हैं, अतः ये प्रतिभूतियों को क्या प्रदान करते हैं, सुरक्षा, साथ ही सट्टेबाजों के बुरे परिणाम से बचाने में भी मदद करता है। अर्थात अनेकों बार जो होता है कंपनियां जो है अपनी आर्थिक स्थिति को छुपाकर जो है अपनी प्रतिभूतियों का मूल्य जो है बाजार में बढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विनियोक्ताओं में असुरक्षा आती है, विनियोक्ताओं की हित में यहाँ पर जो उनका नुकसान होता है, तो स्कंद विनिमय के माध्यम से है जो है विनियोक्ताओं को प्रॉपरली सुरक्षा प्रदान प्राप्त होती है। फिर पूंजी निर्माण की बात करें तो स्कंद विनिमय के माध्यम से लोग अपनी बचत को प्रतिभूतियों के माध्यम से उत्पादन व लाभप्रद योजनाओं में विनियोग कर पूंजी निर्माण में मदद करता है। तो स्कंद विनिमय के माध्यम से जो है विभिन्न कंपनियों की प्रतिभूतियों को विनियोक्ता खरीदता है, विनियोगकर्ता खरीदता है, अपनी बचत को जो है प्रतिभूतियों को परचेज करने में लगाता है, इससे जो है उत्पादन और लाभप्रद योजनाओं में वो विनियोग करता है और इससे जो है पूंजी निर्माण में मदद प्राप्त होती है। फिर अंतिम जो है प्रतिभूतियों का चुनाव, यहाँ पर जो निवेशक है या जो निवेश करता है कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्य व आगामी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का चुनाव कर लेता है, अर्थात किस कंपनी की प्रतिभूतियों को खरीदने में जो है निवेशक की पूंजी सुरक्षित रहेगी, उसको भविष्य में लाभ बेहतर प्राप्त होगा। तो विभिन्न कंपनियों की प्रतिभूति जो कि सूचीबद्ध हैं यहाँ पर सब, उनका चुनाव करने में जो निवेशक को है सुविधा रहती है। तो ये जो है स्कंद विनिमय के कार्य और महत्व जो है, प्रतिभूतियों का ये बाजार प्रदान करता है, साथ ही प्रतिभूतियों का मूल्य को निर्धारित करता है, विनियोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है और पूंजी निर्माण करता है और प्रतिभूतियों का चुनाव करने में निवेशकर्ताओं की मदद करता है। अब यहाँ बात आती है सूचियन, तो सूचियन क्या है, प्रतिभूतियों का सूचियन, तो यहाँ हम देखेंगे सूचियन से आशय जब कोई कंपनी किसी स्कंद विनिमय में अपनी प्रतिभूतियों के लेन देन की अनुमति के लिए अपनाती है, अर्थात स्कंद विनिमय के माध्यम से कोई कंपनी जो है अपनी प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने की प्रक्रिया को क्या करती है, अपनाती है। तो यहाँ पर स्कंद विनिमय की सूची में उस कंपनी की प्रतिभूतियों को जोड़ दिया जाता है, अर्थात उस कंपनी की जो प्रतिभूतियाँ हैं वहाँ स्कंद विनिमय के रजिस्टर में उन कंपनियों की प्रतिभूतियों को जोड़ दिया जाता है, तभी उसकी प्रतिभूतियों का लेन देन व उसके माध्यम से करना संभव होता है। तो यहाँ पर जो है किसी भी स्कंद विनिमय में जब कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का पंजीयन कराना चाहती तो उसको स्कंद विनिमय से अनुमति प्राप्त कर वहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और तब स्कंद विनिमय जो है उस कंपनी की प्रतिभूतियों को अपने रजिस्टर में जोड़ लेती है और
इस प्रकार से स्कंद विनिमय के माध्यम से उस कंपनी की प्रतिभूतियों का लेन देन प्रारंभ हो जाता है। अब सूचियन के लाभ या महत्व। नंबर एक, सूचियन से प्रतिभूति की विपणनीयता एवं तरलता में वृद्धि हो जाती है। एक कंपनी की प्रतिभूति जो कि पंजीयत हो जाती है, वहाँ पर सूचीयत हो जाती है, तो उनकी मार्केटेबिलिटी, उनकी विपणनीयता जो है वो बढ़ जाती है और तरलता में भी वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका क्रय विक्रय यहाँ पर तेजी से होता है, तो उनमें तरलता में भी वृद्धि हो जाती है। फिर सूचियन प्रतिभूतियों का जमानती मूल्य बढ़ जाता है, अतः आवश्यक धन जो है आसानी से प्राप्त हो जाता है। फिर इससे कंपनी की साख व ख्याति बढ़ जाती है, अर्थात प्रतिभूतियों के सूचियन से जो है कंपनी की जो ख्याति है, कंपनी की जो साख है, वो उसमें वृद्धि होती है। फिर प्रतिभूतियों का सूचियन होने से कंपनी का जनता पर अधिक विश्वास बन जाता है, क्योंकि ऐसी प्रतिभूतियों के निर्गमन में गड़बड़ी नहीं होती है। जो भी प्रतिभूतियां हैं वो प्रॉपरली स्कंद विनिमय से यहाँ पर रजिस्टर्ड होती है, तो ऐसी स्थिति में सूचियत प्रतिभूतियां होने से जनता पर जो है उन प्रतिभूतियों पर अधिक विश्वास बन जाता है और उनके निर्गमन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या छल कपट होने की संभावना नहीं होती। फिर पांचवा जो है, सूचियन से कंपनी का प्रचार होता है, क्योंकि सूचित प्रतिभूतियों की कीमत एवं उनकी प्रकृति वित्तीय एवं व्यापारिक प्रकाशनों में प्रकाशित होती रहती है। तो जो सूचित प्रतिभूतियां हैं, सूचियन प्रतिभूतियां हैं, उनका जो है यदि वो उनकी कीमत जो है, उनकी प्रकृति जो है, वो विभिन्न व्यापारिक प्रकाशनों में समय समय पर उनकी जानकारी प्राप्त होती रहती है, तो सूचियन से जो है कंपनी का प्रचार प्रसार भी होता है। तो सूचियन के या सूचियत प्रतिभूतियों के लाभ या जो महत्व हैं, उनकी विपणनीयता और उनकी तरलता में वृद्धि होती है, उनका जमानती मूल्य बढ़ जाता है, कंपनी की साख व ख्याति में वृद्धि होती है और अधिक विश्वास जनता पर उनका बन जाता है। ये प्रतिभूतियों का, तो ये दो प्रकार की होती हैं, नगद सूची और दूसरा अग्रिम सूची। तो नगद सूची में प्रतिभूतियां होती हैं जिनकी तत्काल सुपुर्दगी करनी होती है, अर्थात जिनका निपटारा शीघ्र करना होता है। अर्थात नगद सूची के अंतर्गत ऐसी प्रतिभूतियां जो तत्काल में खरीदी बेची जाती हैं और उनकी सुपुर्दगी जो है तत्काल में एक हाथ से दूसरे हाथ में हो जाती है और उनका निपटारा जो है यहाँ पर शीघ्र होता है, वो नगद सूची के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियां कहलाती हैं। दूसरा जो अग्रिम सूची है, ये वे प्रतिभूतियां होती है जिनमें शामिल प्रतिभूतियों को अग्रिम व्यापारिक लाभ प्राप्त होता है, अर्थात इनका निपटारा भविष्य में निर्धारित समय पर किया जाता है। तो ये आगे भविष्य के लिए ऐसी जो प्रतिभूतियां जो जारी की जाती हैं, जो कि अग्रिम व्यापारिक लाभ जब प्राप्त होगा यहाँ, तब इनका निपटारा जो है भविष्य में निर्धारित समय पर किया जाएगा। तो ये दो प्रकार की सूचियत प्रतिभूतियां होती है, नगद सूची और अग्रिम सूची। सूचियन की जो शर्तें हैं, नंबर एक, कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जनता में कम से कम 25% प्रतिभूतियों का निर्गमन करे, 25% प्रतिभूतियों का निर्गमन करे। प्रविवरण में कुछ निश्चित शर्तें दी जानी चाहिए, जैसे अंश के लिए प्रार्थना पत्र। तीसरा, अंशों या ऋण पत्रों का आवंटन न्यायोचित ढंग से किया जाना चाहिए। और चौथा, एक प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देना होता है, आवश्यक है कि कंपनी अधिनियम तथा प्रतिभूति प्रसंहिता अधिनियम व नियमों का पूर्णतः पालन यहाँ पर कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो ये सूचियन की आवश्यक शर्तें हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारत के कुछ जो प्रमुख शेयर बाजार हैं। तो नंबर एक है राष्ट्रीय शेयर बाजार, इसको हम यहाँ पर सन 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई, जिसकी प्रारंभिक पूंजी जो है 25 करोड़ रुपए थी। इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो प्रमुख प्रवर्तक है। ये व्यापक दायरे को स्थिर आय प्रतिभूतियों के लिए एक व्यापार मंच प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां, राजकोषीय बिल, बचत प्रमाण पत्र, निगम द्वारा जारी बंद पत्र, वाणिज्यिक पत्र आदि के साथ साथ राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी शेयर,
ऋण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बॉन्ड्स तथा कारोबार करता है तथा सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए सक्षम एवं ये पारदर्शी मंच उपलब्ध कराता है। इसका जो मुख्यालय है राष्ट्रीय शेयर बाजार का, ये दक्षिण मुंबई के बरली में स्थापित है। इसके अंतर्गत जो है उन्हीं कंपनियों के प्रतिभूतियों का सूचीकरण होता है जिसकी चुकता पूंजी जो है लगभग 3 करोड़ रुपए हो। तो ये जो है राष्ट्रीय शेयर बाजार कहलाता है। दूसरा जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना जो 1975 में की गई थी, जिसका नाम 2002 में परिवर्तित कर BSE कर दिया गया था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, व 2005 में इसे एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया। इसके उद्देश्य में जो है समतांश ऋण पत्रों तथा म्यूचुअल फंडों में व्यापार हेतु कुशल एवं पारदर्शी बाजार उपलब्ध कराना है। वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलित एक्सचेंज के माध्यम से सक्रिय व्यापार तथा सुरक्षित बाजार उपलब्ध कराना है। यहाँ शेयर बाजार में जो है सेंसेक्स शब्द आपने सुना होगा, सेंसेक्स के माध्यम से जो है बाजार के उतार चढ़ाव को नापा जाता है। वह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो राष्ट्रीय सूचकांक जो है वो 100 शेयर का होता है। यहाँ पर जो सूचकांक है जो 100 शेयर का होता है। इस एक्सचेंज में देश भर से तथा विदेशों से लगभग 5000 कंपनियाँ जो हैं वो सूचीबद्ध हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। इसी से जुड़ा हुआ जो तीसरा प्रमुख बाजार है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये जो है मुंबई में स्थापित 1992 में इसकी स्थापना हुई। ये भारत में जो है ऑनलाइन व्यापार सुविधा कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज है। इसका उद्देश्य क्या है, लघु और मध्यम कंपनियों की प्रतिभूतियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शी प्रतिभूतियों बाजार की व्यवस्था करना है। यहाँ जिनकी पूंजी 30 लाख से 25 करोड़ रुपए है उन कंपनियों को यहाँ पर सूचीबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शेयर बाजार, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और तीसरा जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 1998 को एक अंतरिम प्रशासनिक निकाय के रूप में की गई थी, जो प्रतिभूति बाजार के क्रमबद्ध एवं स्वस्थ वृद्धि तथा निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ावा प्रदान करता है। तो इसके जो उद्देश्य एवं कार्य हैं, नंबर एक निवेशकों के हितों का संरक्षण करना। तो यहाँ पर जो है प्रतिभूति बाजार को उचित उपाय के माध्यम से जो है विकसित कर नियमित निवेशकों के हितों की रक्षा करना जो है सेबी का प्रमुख उद्देश्य कार्य है। दूसरा अनुचित व्यापार एवं व्यवहारों का नियंत्रण करना। सेबी का जो कार्य है वो प्रतिभूतियों के बाजारों से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना है। फिर निवेश योजनाओं का पंजीयन, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से जो है सामूहिक निवेश की योजनाओं को पंजीकृत करना और उसका नियमन करना। फिर मान्यता का अधिकार, किसी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार जो है वो सेबी का होता है। और अंतिम जो है प्रशिक्षण एवं शिक्षा। सेबी जो है प्रतिभूति बाजार से संबंधित लोगों को प्रशिक्षित एवं निवेशकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के कार्य के साथ साथ एक लोचशील दृष्टिकोण अपनाकर पूंजी बाजार का विकास भी करती है। तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, ये इसकी स्थापना जो है निवेशकों के पूंजी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ जो है ये निवेशकों के हित का संरक्षण करती है, उन्हें विभिन्न उपचित उपायों के माध्यम से निवेशकों के हित की रक्षा करती है। वहीं ऐसे अनुचित व्यवहार जो जिनसे कि निवेशकों की पूंजी का यहाँ पर नुकसान होता है, उन व्यवहारों को समाप्त करती है। फिर निवेश योजनाओं का ये पंजीयन भी करती है, साथ ही ये विभिन्न शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने वाली ये अधिकार भी प्रदान करती है। और ये सेबी जो है प्रतिभूति बाजार से जुड़े हुए मैटर पर जो है
लोगों को शिक्षित करती है, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करती है और एक लोचशील दृष्टिकोण अपनाकर पूंजी बाजार का ये विकास करती है। कुछ प्रश्न नंबर एक, स्कंद विनिमय से आशय और उसकी विशेषताओं को लिखिए, फिर स्कंद विनिमय के कार्य एवं महत्व को समझाइए, फिर प्रतिभूतियों के सूचियन से क्या आशय है उसकी आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए और भारत के प्रमुख शेयर बाजार के अंतर्गत राष्ट्रीय शेयर बाजार व मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को समझाइए और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के कार्य व उद्देश्यों को समझाइए।